चलिए देखें बच्चों, कक्षा 10 मैथ पढ़ेंगे आज हम। एक्सरसाइज 7B। उसके पहले ये पढ़ाने से पहले हमने एक वीडियो जो था बनाया था, उसमें पहले बताया था कि इसमें जो है विभाजन के बारे में हमको जानना है, विभाजन पढ़ना है। अंतः विभाजन बताया था, बाह्य विभाजन बताया था, मध्य विभाजन बताया था। तो इसके बारे में फार्मूला भी बताया था हमने कि अंतः विभाजन कब होगा, बाह्य विभाजन कब होगा, मध्य विभाजन जब होगा तब तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो कोई एक रेखाखंड है, ये ए बी, अगर इस पर कोई बिंदु पी इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है M1 अनुपात M2 में, तो ये रेखाखंड के अंदर ही है, तो इसको हम अंतः विभाजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? अंतः विभाजन। और यही चीज़ अगर होता कि किसी रेखाखंड को अगर कोई बिंदु P जो है इसको बाह्य विभाजन कर रहा है, बाहर, बाहर बाहर का मतलब बाहर, बाहर विभाजन कर रहा है, तो उसको हम बाह्य विभाजन कह सकते हैं। मध्य में क्या होता है? मध्य में हमने बताया था, मध्य का मतलब होता है बीच में, वो मध्य में ही कोई रेखाखंड को अगर मध्य में कोई बिंदु विभाजित कर रहा है तो वो दो बराबर भागों में बांटेगा। मध्य का मतलब ही हो गया दो बराबर भागों में बांटना। तो जितना ये होगा उतना ये होगा। इसको मान लो 1:1 में विभाजित कर रहा है और ये रेखाखंड के अंदर है, तो इसलिए अंतः विभाजन वाले फार्मूला पर रख के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए जाते हैं। फर्क कितना था अंतः विभाजन में? बस प्लस और माइनस का। जब अंतः विभाजन हो तब वहाँ पर प्लस करना है तुमको, M1 प्लस M2 और जब बाह्य विभाजन हो तो बस माइनस कर देना है। जहाँ पे प्लस था वहाँ पे तुमको माइनस कर देना है, यानी M1 X2 हो जाएगा -M2X1/M1 M2। बस इतना ही फर्क होता है बस अंतः और बाह्य विभाजन में। और मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो सभी को पता है कि X1 प्लस X2/2, Y1 प्लस Y2/2, ये सभी को पता है और हम बता भी चुके हैं। चलिए इसके आगे अब देखते हैं क्वेश्चन 7B जो एक्सरसाइज है उसको हम लगाएंगे और समझेंगे। जो भी समस्या हो अपने ग्रुप पर सेंड कीजिए और एक एक क्वेश्चन लगा के भेजिए, एक एक क्वेश्चन लगाना है। देखिए एक्सरसाइज 7B है, जो क्वेश्चन जो है मैं पढ़ दे रहा हूँ, बस अपनी बुक अपने पास में रखिए। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है, बिंदु दिए हैं -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो तो बिंदु दिए हैं मान लो ए और बी, ए के निर्देशांक दिए हैं -3,4 दिए हैं और बी के निर्देशांक दिए हैं -3,-4। इतना समझ में आ रहा है सभी को? तो इस रेखाखंड को के मध्य बिंदु के, यानी मध्य बिंदु, इस रेखाखंड को कोई बिंदु पी है उसके निर्देशांक है X,Y। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है? X1 प्लस X2/2 और Y1 प्लस Y2/2। बस यहाँ से तुम ये निकाल लीजिए, ये X1 हो गया, ये Y1 हो गया, ये X2 हो गया, ये Y2 हो गया, ये हमारी भुज हो गई, ये कोट, ये भुज और ये कोट। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, X1 वाला हो जाएगा -3, Y1 हो जाएगा हमारा 4, X2 हो जाएगा हमारा 3 और Y2 हमारा हो जाएगा -4। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये जो निर्देशांक है इसको हमने लिख लिया। और P बिंदु के यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक फार्मूला क्या होता है? इधर लगा दीजिए, यहाँ पर लिख लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी P X,Y बराबर क्या होता है? X1 प्लस X2/2, Y1 प्लस Y2/2। बस जो भी यहाँ पे X1 और Y1 निकाले थे बस वहाँ पे मान रख दीजिए।
तो एक्स वन आ गया हमारा माइनस तीन, प्लस एक्स टू आ गया हमारा तीन बटा दो कामा वाई वन आ गया हमारा फोर, और वाई टू आ गया माइनस फोर अपान टू। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे वाई टू की वैल्यू जो है मान है माइनस फोर है, तो प्लस और माइनस की गुणा जो होगी माइनस हो जाएगी। अब देखो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा जीरो, ये भी हमारा क्या आ जाएगा जीरो, यानी जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे वो हमारे क्या निकल के आएंगे जीरो गामा जीरो। तो समझ में आ गया इतना, यानी मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हैं हमारे वो जीरो गामा जीरो हैं, समझ गए सभी लोग। तो ये सेवन बी का पहला क्वेश्चन था फर्स्ट। इसके बाद का दूसरा क्वेश्चन जो है सभी बच्चे लगा के ग्रुप पर सेंड करेंगे, बाकी जो भी समस्याएं आ रही है वो बताएं, उसका समाधान होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, तो सभी लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे का दूसरा क्वेश्चन है जो लगा के सेंड कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिए, वो आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, सेवन बी का तीसरा का फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं, उसके बाद सेकेंड जो है वो लगा के सेंड करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो है अपनी बुक से पढ़ लीजिए। और फार्मूला जो है इसको याद रखे करो। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम पढ़ रहे हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यतर विभाजित करता है, बाह्य विभाजन कर रहा है, यानी जो निर्देशांक दिए होंगे तुम्हारे सेवन बी एक्सरसाइज है, जो निर्देशांक दिए होंगे उनको जो है कोई एक बिंदु होगा वो बाह्य विभाजन कर रहा है, बाह्यतर विभाजन कर रहा है। तो बाह्य विभाजन में क्या था, अंतः विभाजन में बस प्लस रखना है, बाह्य विभाजन में उसको माइनस कर देना, जो फार्मूला होता है तुम्हारा एम वन एक्स टू माइनस कर देना है, समझ आ गया। वहाँ पे प्लस करते थे अंतः में, इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं अंतः का। चलिए देखिए तीसरे का फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं, हम बिंदु लिख दे रहे हैं तीन गामा चार, मान लो ये कोई रेखाखंड हो गया, इसके बिंदु निर्देशांक हो गए तीन गामा चार और माइनस छः गामा दो, समझ आ गया। तो कोई बिंदु P है, ये मान लो बिंदु P है, तो इसको बाह्यतम विभाजित कर रहा है, इसके निर्देशांक हो गए एक्स कामा वाई, कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है तीन अनुपात दो, यानी एम वन जो हो गया हमारा तीन हो गया, एम टू जो हो गया हमारा दो, यानी तीन अनुपात दो के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी, ये जो होती है हमारे एम वन हो गया अनुपात और ये हो गया हमारा एम टू, ये पहले बता चुके हैं सभी को। तो देखिए यहाँ से लिख लीजिए निर्देशांक, एम वन एम टू लिख लिया, ये हमारा एक्स वन हो गया, एक्स वन हो गया हमारा तीन, वाई वन हो गया हमारा चार, और इधर ये आ गया हमारा एक्स टू, एक्स टू हो गया हमारा माइनस छः, और वाई टू जो हो गया हमारा दो हो गया। इतना लिख लिया सब लोगों ने। अब ये बाह्यतम विभाजित कर रहा है, तो बाह्य विभाजन का फार्मूला क्या होता है, बाह्य विभाजन में बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, पी एक्स कामा वाई बराबर लिख लीजिए, क्या होता है सभी को पता है, एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन अपान एम वन माइनस एम टू कामा एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपान एम वन माइनस एम टू। ना समझ में आ गया सभी को, बस अंतः में यहाँ पे प्लस रखना है और बाय में माइनस रख देना, बस इतना जो है सभी को पता होना चाहिए। अब ये जो है फार्मूला है, जो मान निकाले एक्स वन एक्स टू के, ये सभी जो है यहाँ पर रख दीजिए। एम वन का मान है तुम्हारा तीन, एम वन हो गया तीन गुणा एक्स टू, एक्स टू कहाँ है माइनस छः, माइनस छः प्लस एम टू, एम टू है तुम्हारा दो, नहीं माइनस है यहाँ पे माइनस दो गुणा एक्स वन, एक्स वन हो गया तुम्हारा तीन बटा एम वन माइनस एम टू, एम वन माइनस एम टू यानी तीन माइनस दो। समझ में आ गया,
कामा एम वन की वैल्यू दी है तुम्हारे 3 गुणा वाई टू, वाई टू दिया है 2 माइनस एम टू, एम टू देखिए यहाँ पे दिया है 2 गुणा वाई वन, वाई वन की वैल्यू दी है ये 4, यहाँ पर लिख लीजिए बटा एम वन माइनस एम टू यानी 3 माइनस 2। चलिए माइनस कितना हो जाएगा 18, 6 18 माइनस 6 बटा कितना होगा 1 कामा 6 माइनस 8 बटा 1, तो माइनस माइनस के ऐड कर दो कितना हो गया माइनस 24 24, माइनस 24 कामा माइनस का कितना बचेगा 2। तो ये जो अंतर विभाजन कर रहा है उसके निर्देशांक जो आ गए हमारे कितने, बाह्य विभाजन जो कर रहा है उसके निर्देशांक आ गए हमारे उस बिंदु के निर्देशांक माइनस 24 कामा माइनस 2। तो समझ में आ गया, बस प्लस में और माइनस में क्या अंतर है, बाह्य अंतर में क्या करना है, मध्य वाले में क्या करना है, बस इसी प्रकार से जित क्वेश्चन ये तीसरा का सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट है उसके बाद में सेकेंड पार्ट है, वो सभी बच्चे लगा के ग्रुप पर सेंड करेंगे, ठीक।